इस वक्त मौजूद हैं हम राजधानी पटना के मौर्या लोक में। शाम के 7 बजे से आज सभी दुकानों को बंद करने का सरकार का निर्देश है। वो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से राजधानी पटना का जो मौर्या लोक है वहाँ 7 बजे से दुकान बंद करने के आदेश थे और तमाम जो दुकान हैं वो बंद कर दिए गए हैं। देखिए कि किस तरीके से सभी जो दुकानें हैं उसमें ताले जड़ दिए गए हैं। 7 बजे हैं अभी, शाम के 7 बजे से जिस तरह से बात कर लेगी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी दुकानों को 7 बजे बंद करने का निर्देश कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है वो दिया गया था। और अभी जब 7 बजे हैं तो तमाम जो दुकानें हैं वो राजधानी पटना के मौर्या लोक में हम मौजूद हैं और तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से तमाम दुकानें को बंद कराया जा रहा है। और लगातार बता दें कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बैठक की थी और उस बैठक के दौरान मीडिया को भी संबोधित किया था और कहा था कि आज से शाम 7 बजे से सभी दुकानें बंद होंगी। मंदिर की बात कर ले तो मंदिर को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो 7 बजे हैं और दुकान बंद हो रहे हैं, तमाम जो दुकान है वो लगातार शटर गिरने शुरू हो गए हैं। शाम के 7 बजे से जो मुख्यमंत्री का जो निर्देश था उसका लोग कितना पालन कर रहे हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो दुकान है उस पर शटर लगे हैं। आपको बता दें कि सुबह में भी हमने तस्वीरें दिखाई थी जब मंदिर में ताले लग रहे थे तो मंदिर से किस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा था और वहाँ जो है ताले लग गए। हालांकि अब जब शाम के 7 बजे हैं और राजधानी पटना के मौर्या लोक, चर्चित मौर्या लोक जहाँ है वहाँ तमाम जो दुकानें हैं वो सभी दुकानों पर ताले जड़ दिए गए हैं, तमाम जो शटर हैं उसको डाउन कर दिए गए हैं। आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से मौर्या लोक में खाने पीने के जो सामान है उसको खुले रखने हैं, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो मौर्या लोक, राजधानी पटना का जो मौर्या लोक है वो खाने पीने की दुकानें खुले रहेंगी और अन्य जो दुकानें हैं वो बंद होंगी। जैसे बात कर ले कपड़े की दुकान, मॉल या अन्य बात कर ले शोरूम्स की, तो वो भी बंद रहेंगे। अदर जो दुकानें होती है ऑप्टिकल्स की, तो वे सब दुकानें बंद रहेंगी। और जो देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, आप दुकानदार हैं क्या? नहीं, इस तरह से सवाल ये है कि दुकान बंद हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान क्या, बहुत सारा नुकसान हो गया। इसी समय में आने वाला लोग जितना है, जो भी है कस्टमर, इसी समय रहता है, जो इसी समय में डील करता है, नेचुरली है कि उसमें कुछ प्रभाव पड़ ही जाएगा। दिन भर धूप रहता है, गर्मी रहता है, 34-35 डिग्री 40 डिग्री रहता है, नहीं कोई आता जिससे सी टाइम। हाँ ठीक है, सरकार का निर्देश है, पालन होना ही चाहिए, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा ही, कहीं ना कहीं पड़ ही रहा है। अभी हम लोग का 1-2 घंटा चलता मार्केट, लेकिन अब नहीं चलेगा। तो फिर उधर एक तरफ ये भी देखना है, जो सबकी रक्षा की बात हो, जगह ये भी होता है। तो ये दुकानदार हैं और इनसे हमने जाना कि किस तरीके के नुकसान जो है वो भरपाई करने पड़ेंगे उन लोगों को, क्योंकि जो दुकानें हैं वो देखिए मौर्या लोक के अंदर हम चलते हैं और मौर्या लोक की कुछ अंदर की तस्वीरें हम देखिए कि किस तरीके से ताले लगाए जा रहे हैं इन दुकानों पर। और मौर्या लोक के अंदर हम चलेंगे और अंदर की जो तस्वीरें हैं वो हम दिखाएंगे। फिलहाल 7 बजे का टाइमिंग है और मौर्या लोक पूरी तरीके से बंद हो गया है। यहाँ जो कई दुकानें हैं उसको बंद कर दिए गए हैं। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो दुकान है वो बंद कर दिए गए हैं। पूरा मौर्या लोक जो है वो सन्नाटे में तब्दील हो गया है। शाम 7 बजे यहाँ जो लोग यहाँ पहुँचते हैं और तमाम जो लोग यहाँ 7 बजे आते हैं और 7 बजे से 9 बजे तक लोगों का कहना है कि मौर्या लोक में मार्केटिंग होती है, लेकिन फिलहाल जो मौर्या लोक का जो नज़ारा है वो आप खुद तस्वीरों में देख रहे होंगे, लाइव तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से तमाम जो मौर्या लोक की दुकान है उस पर 7 बजे से ताले लटक गए हैं। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन था उसका पालन किस तरीके से हो रहा है वो आप खुद तस्वीरों में देख रहे होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के चर्चित मौर्या लोक में जहां शटर पर ताले 7 बजे से लग गए हैं। कल जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बैठक किया गया और उसके बाद उन्होंने कई तरह के गाइडलाइन जारी किए और उस गाइडलाइन में यह था कि 7 बजे तक जो तमाम दुकानें हैं वो बंद कर दी जाएगी,
सिर्फ खाने पीने की दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट वो खुले रहेंगे, अन्यथा और जो बाकी दुकानें हैं या कपड़े की दुकान की बात कर ले या अन्य किसी चीज़ की दुकान जो है उसको 7 बजे से बंद कर दिया जाएगा। और मौर्य लोक में फिलहाल 7 बज चुके हैं, सभी दुकानों के शटर पर ताले लग गए हैं और देखिए ये दुकान जो है वो खुला हुआ है। फिलहाल यहाँ लोग मौजूद हैं, देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल 7 बजे से दुकान बंद करना है। और लगातार इधर मौर्य लोग जो है वहाँ तमाम जो दुकान हैं वो बंद हैं। बात कर ले कि जो फैशन की लिखा है दुकान पे भी नाम भी लिखा है, इन तमाम दुकानों को बंद कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से मौर्य लोक है या मौर्य लोक में खिलौने की भी दुकान है, फिलहाल वो दुकान अभी खुली है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम जो और भी जो दुकानें हैं खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो फिलहाल खुली रहेंगी, लेकिन अन्य जो दुकानें हैं वो बंद होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो आदेश है उस आदेश का कितना पालन हो रहा है वो फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।